नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। मैं हूँ पीसी सैनी। प्रथमपुरी में महिला की गला रेतकर हत्या का मामला, पुलिस ने हत्यारे पति तथा उसके दो साथियों को न्यायालय में किया पेश। नीमका थाना न्यायालय ने तीनों आरोपियों को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। पति महेंद्र कुमार तथा अन्य दो सहयोगी साथियों से पुलिस करेगी हथियार तथा काम में ली गई बाइक बरामद। 12 जुलाई को आरोपियों ने वारदात को दिया था अंजाम। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर के थोई थाना अंतर्गत प्रथमपुरी गांव में 12 जुलाई को एक महिला की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस ने महज 48 घंटे में वारदात का पर्दाफाश करते हुए हत्यारे पति सहित उसके दो भाड़े के सहयोगियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी। पुलिस ने आज तीनों आरोपियों को नीमका थाना न्यायालय में पेश किया, जहाँ से न्यायालय ने तीनों आरोपियों को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा है। थानाधिकारी आलोक पूनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 जुलाई को प्रथमपुरी में एक महिला अवगंता देवी की हत्यारों ने सातिर तरीके से गला रेतकर हत्या करने की वारदात को अंजाम दिया था। हत्या करने का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, महिला का पति महेंद्र कुमार ही निकला, जिसने अपने दो सहयोगियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। पति महेंद्र कुमार ने भाड़े के दो सहयोगी अनुज कुमार तथा अमित कुमार के साथ मिलकर सातिर दिमाग से वारदात को अंजाम दिया और उनका मानना था कि वे पुलिस की गिरफ्त से दूर होंगे, लेकिन अपराधी चाहे कितनी भी वारदात को अंजाम देने में अपना शातिर दिमाग काम में क्यों ना ले, लेकिन वह पुलिस की कार्रवाई से बच नहीं सकता। पुलिस हत्यारे पति सहित अन्य दो सहयोगियों से रिमांड अवधि के दौरान कड़ाई से पूछताछ कर उनसे वारदात में काम में लिए गए हथियार तथा बाइक को बरामद करेगी। वहीं जल्द ही आरोपी हत्या के मामले में सलाखों के पीछे होंगे। दिनांक 12 जुलाई की रात्रि को थोई थाना क्षेत्र में विवाहित महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी, जिसके पश्चात पुलिस ने काफ़ी प्रयास करके उसको उसके पति को दस्तियाब करके बाद पूछताछ घटना के पूछताछ की उस घटना के संबंध में उसने स्वीकार किया। उसके बाद दो मुजरिमों को और जो उसके सहयोगी थे उनको हरियाणा से दस्तियाब करके लाए थे। बाद में कल दिनांक कितने 15 जुलाई को गिरफ्तार किया था। आज तीनों मुजरिमों को न्यायालय में पेश किया गया नीमका थाना में, जिस पर 4 दिन का पीसी रिमांड लिया गया है, जिस पर जो हथियार काम में लिया गया है गला रेतने में, वह जो रेकी करने में और आने जाने में जो साधन काम में लिया है उनको सभी की बरामदगी कराई।